बेटी को पढ़ाना चाहिए बेटों की तरह, तो हम पढ़ा देते हैं उसे। इतना पढ़े हैं, एमए टॉप किया है, हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। बार बार इतना अच्छा रिश्ता हम आपके लिए ढूंढ के नहीं ला सकते हैं। कृष्णा, कोई हमको अलग तो नहीं करेगा ना? हम चेक किए थे, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी ने ट्राई भी किया ना तो। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था। और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई। और उस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है, जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है, जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया। और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है। और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है। और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं, जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज
पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्ण कांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हृढ़ निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरदातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राशि प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है यहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है। इसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरदातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि
सुरछी सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि जगजगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार भी अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगत प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का टाइटल था विवाह, जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और उस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में
रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया। और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है। और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस जो कि वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगत प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है।
प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उससे शादी करने का जो कि हड़ निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरदातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरदातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय
समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है, और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म क्योंकि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है, और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है, और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है, वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था, और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई, और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राष्ट्रीय प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है, जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया, और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है, और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं, और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम, और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है, और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है, और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है, और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं, जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है, ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि
जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्ण कांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हड़ निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरदातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राशि प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरदातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि भाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान
देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने परिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या
करति और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है, और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरुचि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है, और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस जो कि वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और बस जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगति प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस
कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है, जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बड़जातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है, जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया। और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है, और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है, और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं, जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है, ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म क्योंकि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है, वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं
कर पाता है, प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह, जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था। और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरुचि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना
करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है, और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है, और बस जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है, और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है, वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उससे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था, और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई, और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया, और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है, और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि भाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है, और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से
जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि अभ्यास में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और दुखी ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि
सुरुचि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिकझिकाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस जो कि वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य
वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया। और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने परिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म क्योंकि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि
अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और उस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राष्ट्रीय प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बड़जातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है, जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है, और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं, जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है और हालांकि शादी के 2 दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और
तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और बस जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है, प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरदातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और उस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है यहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है। इसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरदातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि जगजगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि
पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जन्म मनाया जाता है। जन्म के दौरान क्रोधित और दुखी ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्ण कांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार भी अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और क्योंकि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्ण कांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे
पूनम से जो कि परिचित करते हैं, जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि वाजपेयी को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जन्म मनाया जाता है। जन्म के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरीश चंद्र जो कि बाइक
जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षी सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि जगजगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि अभ्यास में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म क्योंकि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में
रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बड़जातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया। और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है। और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षि सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि वाजपेयी को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जन्स मनाया जाता है। जन्स के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बड़जातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता
राव और दुखे अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और उस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बड़जातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि भाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षी सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य
कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षी सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्तेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि वाजपेयी को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि
पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेचर के सम्मान में और जो कि जन्स मनाया जाता है। जन्स के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हृदय निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खासतौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि जगजगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज
वाजपेयी को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि अभ्यास में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस बेचुकी वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्ण कांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म क्योंकि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बरजातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज़ किया गया है, जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है, जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरीश चंद्र जो कि वाजपेयी
के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरछी सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्तेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झिझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस जो कि वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और बस जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हृदय निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरजातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राशि प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं। जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक
रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बड़जातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया। और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस वेंचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है। इस फिल्म को सूरज बड़जातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था। सूरज बड़जातिया ने शाहिद कपूर के साथ 2006 में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का टाइटल था विवाह। जी हाँ, जिसमें जो कि हमें देखने को मिले थे शाहिद कपूर और जो कि
अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए, जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें, अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफ़ी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन, इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राजश्री प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इन सभी फिल्मों को कई सारे OTT पर रिलीज किया गया है, जहाँ पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें, फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीज़ें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरजातिया ने कई सारी जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आएँ तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम, अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि बाई जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्तेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है, जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि ज़रूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि वाजपेयी को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्म कालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुआई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस जो कि वेंचर के सम्मान में और जो कि जंश मनाया जाता है। जंश के दौरान क्रोधित और जो कि ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्णकांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार जीतने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है और हालांकि शादी के 2 दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म जो कि निधन सुनाते हैं और
तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और बस जो कि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगती प्रेम को ठीक उसी समय फ़ोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम की चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हृदय निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है। इस फिल्म को सूरज बरदातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को अमृता राव और जो कि अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने काम किया था और फिल्म में बाप के करेक्टर निभाते हुए आलोकनाथ नजर आए जिन्होंने 90s के दौर पर कई सारे फिल्मों में काम किया है। आप लोगों को बता दें अमृता राव ने फिल्म में बेहद शानदार तरीके से काम किया और उनके काम के लोगों के बीच में काफी तारीफ की गई और इस फिल्म को जो कि लिखा भी बेहद शानदार तरीके से था। फिल्म का जो कि बजट 80 मिलियन था और फिल्म ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 539 मिलियन इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। फिल्म को राशि प्रोडक्शन कंपनी से बनाया गया था। फिल्म की अगर बात करें तो दोस्तों आप लोगों को बता दें अगर आप लोग ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग इस फिल्म को कहां पर देख सकते हैं जहां पर इन सभी फिल्मों को कई सारे ओटीटी पर रिलीज किया गया है जहां पर आप लोग बड़े आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे देखने के बाद जो कि लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें फिल्म में रोमांटिक ड्रामा सारी चीजें और इमोशनल खास तौर पर फिल्म में देखने को मिली है। ये एक पारिवारिक फिल्म है। आज से पहले सूरज बरदातिया ने कई सारे जो कि पारिवारिक फिल्म बनाई है जो आज भी लोग अपने दिलों में याद करते हैं। अगर कहानी की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश के जो कि मथुरा जिले के छोटे से शहर जो कि मधुपुर में रहने वाली एक जो कि मध्य वर्गीय लड़की पूनम अब बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से जो कि उसके चाचा जो कि कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया और हालांकि उसकी पत्नी रामा जो कि ईश्वर्या करती और पूनम को स्वीकार करने में हम समर्थ हैं क्योंकि वह उनकी बेटी रजनी का रंग जो कि सांवला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है और इसके बावजूद रजनी और पूनम एक दूसरे के बीच आती हैं और करीब आती हैं और उनको खुद को एक बहने मानती हैं। नई दिल्ली के एक जो कि प्रसिद्ध जो कि व्यवसायी जो कि हरिश्चंद्र जो कि वाइफ जो कि वाजपेयी के दो बेटे हैं और जो कि शादीशुदा सुनील और जो कि मधुभाषी और जो कि सुरक्षित सिंह प्रेम और पूनम का जो कि सरल और जो कि स्नेही व्यवहार जो कि जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त जो कि भगत को जो कि प्रभावित करता है जो प्रेम के जो कि लिए उसका विवाह जो कि प्रस्ताव लेकर जाता है और हरीश प्रस्ताव पर उसकी राय लेता है और जो कि झगझगाते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले जो कि अपने कैरियर पर ध्यान देने की जो कि जरूरत है और हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है और इसलिए प्रेम जो कि सहमत हो जाता है और वह मिश्रा के घर जाते हैं और उनसे पूनम से जो कि परिचित करते हैं जो कि और प्रेम और पूनम तुरंत ही एक दूसरे के जो कि प्रति आकर्षित हो जाते हैं शादी के लिए जो कि सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत और जो कि बाज पेई को जो कि सोम और जो कि सोमवार में जो कि अपने जो कि ग्रीष्मकालीन निवास पर जो कि आमंत्रित करता है ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जो कि जादुई और रोमांटिक दौर से जो कि गुजरते हैं और प्यार में पलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार जो कि एक जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने के लिए घर लौटता है और पूनम और प्रेम टेलीफोन पर और पत्र के मध्य से जो कि संवाद करते हैं और प्रेम जो कि व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करता है। वापसी लौटने पर घर पूनम को जो कि सरप्राइज के तौर पर जो कि पर लाता है और पूनम की जो कि पहली यात्रा और प्रेम में सफल बिजनेस वेचर के सम्मान में और जो कि जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान क्रोधित
चिंतित और दुखी ईश्वरी रामा अपने कैमरे में छिप जाती है और कृष्ण कांत उसे ढूंढता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और उसे पूनम को स्वीकार करने से मना करने के लिए कहता है, जबकि वह जीवन भर रामा का प्यार देखने की कोशिश करती रही और वह उसे बताता है कि वह अकेली ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी पूनम से परेशानी हुई है। और हालांकि शादी के दो दिन पहले ही मिश्रा के घर में आग लग जाती है और हालांकि पूनम समय रहते बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और वह उसे बचा लेती है और लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से जल जाती है। डॉक्टर उसे पिता को बताते हैं कि ऐसे मामलों में तो परिवार पे अपने पारिवारिक को नकार देते हैं। पूनम का जन्म क्योंकि निधन सुनाते हैं और तथ्य कि वह रजनी को बचाने हुए घायल हो जाती है और क्योंकि पश्चाताप से भरी रामा यह महसूस करते हुए टूट जाती है कि वह पूनम के साथ कितनी जो कि क्रूर है और टूटे दिल से जो कि भगवती प्रेम को ठीक उसी समय फोन करते हैं जबकि वह समूह के लिए मधुपुर जा रहा होता है। जैसे ही वह उसकी सर्जरी के जो कि अनुमति देने वाले छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला होता है वैसे ही रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता है। प्रेम आता है और पूनम के चोटों के जो कि बावजूद उसे शादी करने का जो कि हर निश्चय करता है। दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें फिल्म में देखने को मिली है, इस फिल्म को सूरज बरदातिया ने बनाया था जिसको हमें शानदार तरीके से देखने को मिला था।